जय हिंद नमस्कार साथियों, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, ये धरती है महाराणाओं की, हार हमें स्वीकार नहीं, हार हमें स्वीकार नहीं। जी हाँ नमस्कार साथियों, आपको एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज के साथ आपके साथ रूबरू हूं। साथियों बहुत लंबे समय से, एक लंबे अरसे से आपको इंतजार था कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, जिसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और हम तैयारी कब करें। बहुत सारे बच्चों ने तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट कर दी, वो साथी तो आपसे बहुत आगे निकल ही चुके हैं। लेकिन जी हाँ साथियों, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आप कर सकते हैं बहुत अच्छी और बेहतरीन तैयारी। और इस बार दिल्ली पुलिस को आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो पूरी फॉर्म प्रक्रिया, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कब से कब तक भरा जाएगा, क्या फीस रहेगी, कौन सी कैटेगरी वाले कब फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या लाइसेंस की जरूरत रहेगी, फोटो के नीचे नाम डेट होगी कि नहीं होगी, इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए अपने बीच सूरज सर रावत सर उपलब्ध है। तो सूरज सर रावत सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए। सूरज सर आए, उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी सूचना दे दूं कि जी हाँ साथियों, अलायंस केयर इंस्टीट्यूट बीकानेर, बिल्कुल अलायंस केयर इंस्टीट्यूट बीकानेर में साथियों, शिववाड़ी, न्यू शिववाड़ी रोड, जय नारायण व्यास कॉलोनी में आपके लिए दिल्ली पुलिस का एक क्रेज कोर्स साथियों, एक बैच आपके बीच लेकर आ चुका है। पूरा बैच साथियों ऑफलाइन रहेगा, बिल्कुल बीकानेर सेंटर पर बैच आपके संचालित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथियों समय आपके हाथों से बहुत ज्यादा निकल चुका है, लेकिन जी हाँ साथियों, समय और वक्त अभी भी आपकी मुट्ठी में, अगर चाहे तो इस बार आप सफलता हासिल कर सकते हैं। बाकी पूरी प्रोसेस जानने के लिए सूरत सर के साथ आप लगातार बने रहें। तो जय हिंद नमस्कार साथियों, बिना देरी के अपने बात करते हैं, उसके बारे में अपने बात करते हैं। जैसा कि मुझे बताया कि जब हम करवा रहे हैं आपके बीच में, क्योंकि जो समय है वो आपके लिए बहुत कम है। तो देखिएगा, आप सभी को बताया, ये जो एग्जाम जो है वो कौन करवा रहा है, पहले साथियों एसएससी जो है वो एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। पूरा जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फॉर्म की तारीख यहाँ पर क्या रहने वाली है, 1 से लेकर 30 सितंबर 2023 जो आपका फॉर्म जो भरा जाएगा वो ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। आप सभी को फॉर्म भरते टाइम क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेनी है, क्योंकि आपका फॉर्म ही है जो आप अच्छे से भरोगे, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, फीस और उसकी जमा कराने की जो लास्ट तारीख आपको 30/9 दे रखी है उसके सामने यहाँ पर अपने बात करते हैं पहले साथियों। तो आपको 2 दिन का टाइम मिलता है, 3/10 और 4/10 को फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। उचित जो आपको फीस देकर क्या करनी होती है, फॉर्म में जो करेक्शन करनी है वो आप कर लीजिएगा। उसके साथ साथ में यहाँ पर सबसे बड़ा देखिएगा, यहाँ पर बिंदु आपको ये दिखाई दे रहा है कि परीक्षा की जो तारीख है वो आपकी कब रहने वाली है। देखो अगर हम कैलेंडर की बात करें तो 14 नवंबर से जो एग्जाम जो है वो दिए गए थे, लेकिन इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर 2023 से आपके प्रारंभ होने वाले हैं। यानी कि परीक्षा की तारीख में थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ में यहाँ पर अपने बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर देखिएगा आपको ये भी तो ध्यान में रखना है कि जो एग्जाम जो है वो क्या होने वाला है, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी है, और मैंने अभी बताया आपको ये जो एसएससी जो है वो आपकी क्या करवाने वाली है, ये एग्जाम यहाँ पर करवाने वाली है। उसके साथ में अपने बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और अगला पेज आपको जो दिखाई दे रहा है उस पेज के ऊपर अपने बात करेंगे। तो देखिएगा ये जो है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है बाकी जो आपको है, लेकिन अपने सीधा सीधा बात करते हैं कि वैकेंसीज ऑफ नंबर जो है कैटेगरी वाइज वो कितनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 7,547 वैकेंसी टोटल थी, और जो हम बारी बारी से 7,547 वैकेंसी के बारे में बात कर रहे थे। और उसके साथ साथ में हमने ये भी बात करी थी कि पुरुषों की वैकेंसियाँ कितनी है, महिलाओं की वैकेंसियाँ कितनी है, तो उन तमाम जानकारियों के ऊपर अपने बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कांस्टेबल एक्स मेल, कांस्टेबल की बात करें मेल कैंडिडेट है, उनकी वैकेंसी की अगर बात करी जाए, QR जो जनरल कैटेगरी है वो 2448 पोस्ट है, EWS की अगर बात करते हैं तो 488 पोस्ट है, OBC कैटेगरी 258 है, और महिलाओं की OBC की अगर बात करी जाए तो आपकी कितनी है, 142 पोस्ट है, 429 पोस्ट जो सारी महिला और पुरुष जो है OBC कैटेगरी में, लेकिन आप जनरल को भी तो भाई फाइट कर सकते हो अपनी एज के अनुसार और आप नंबरों के अनुसार। SC कैटेगरी में 717 पुरुषों की है और 429 महिलाओं की है, अच्छा खासा वेटेज यहाँ पर दिया गया है, और 1301 पोस्ट टोटल जो है वो बनती है यहाँ पर। उसके साथ में ST कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 242, और यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो 150 है,
और टोटल अगर पुरुषों की जो आपके कांस्टेबल जो मेल होते हैं 44,53 पोस्ट आपकी यहाँ पर दी गई है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर देखिएगा कांस्टेबल जो फीमेल है उसकी 2491 पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर देखिएगा कांस्टेबल मेल जो कैंडिडेट है उसमें एक्स सर्विसमैन अदर और यहाँ पर बैकलॉग एस एन एस टी जो इंक्लूड है वो इस तरीके की यहाँ पर पोस्ट दी गई है। ये आपकी स्पेशल पोस्ट जो पुरुषों की है वो 266 पोस्ट है। इसी तरीके से मेल कैंडिडेट में ये पैरा कमांडो जो होते हैं उनकी कुछ स्पेशल पोस्ट आपको दी गई है, वो टोटल कैटेगरी वाइज 337 पोस्ट आपकी यहाँ पर हो जाती है और ये फीमेल की पोस्ट आपकी हो जाती है। अगर आप टोटल पोस्टों की बात करेंगे तो आपके सामने ये पूरा जो चार्ट है वो दिखाई दे रहा है। अब उसके साथ साथ में यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया वो अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर देखने वाले हैं। इससे पहले देखिएगा इसके नीचे क्या है, ये हमने देख लिया। अगले पेज के ऊपर अपने बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर जो छूट वगैरह है वो राज्य सरकार जो अपनी सेंट्रल सरकार जो कैटेगरी वाइज देती है उनको छूट मिल जाएगी। लेकिन सबसे आगे देखिएगा एज लिमिट जो है वो आपकी क्या रहने वाली है। ये एज लिमिट के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 18 से लेकर 25 साल का विद्यार्थी जो है परीक्षार्थी जो है वो फॉर्म भर सकता है। उसके साथ साथ में यहाँ पर देखो इसकी लिमिट भी दी गई है 1/7/2023 तक काउंट होने वाली है एज, ठीक है। उसके बाद वाली जो है एज काउंट नहीं होगी। देखो उसके साथ साथ में देखो यहाँ पर क्या कहा गया, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न ईयरली देन 2/7/1998 और उसके साथ में अपने बात करते हैं 1/7/2005 क्या है 1/7/2005 यानी कि इनके बीच का बच्चा होना चाहिए जनरल कैटेगरी का ये बच्चा होना चाहिए। उसके एक एक साल को अगर घटा दोगे यहाँ पर 98 है तो 94 वाला बच्चा एससी कैटेगरी का होना चाहिए ओबीसी का और 95 जो यहाँ पर है वो आपका एससी कैटेगरी का यहाँ पर होना चाहिए। ये डेट जो है वो इसी के अनुसार काउंट होगी। अगर इनके बीच में आ रहे हो तो आप फॉर्म भर देना अच्छी तरीके से। ये देखिएगा यहाँ पर एज की जो छूट है वो आपको आपका नोटिफिकेशन निकाल लेना, उसके अंदर आपको आराम से छूट जो है वो यहाँ पर आपको दी गई है। सारी जो छूट जो है वो आपको यहाँ पर इसके अंदर आराम से पूरी डिपार्टमेंट जो है कैंडिडेट जो है उसको बहुत सारी छूट यहाँ पर मिली गई है। ये सारी आप डिपार्टमेंट में तो हो नहीं तो आप ये छूट आपको देखने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। उसके बाद में अपने बात करते हैं जहाँ से अपने ड्राइविंग लाइसेंस और उनकी बात होती है वो वाला पेज अपने हैं कॉलम जो है वो अपने निकाल लेते हैं, ठीक है। बाकी जो है अब यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस वो सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट द सर्टिफिकेट। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिएगा इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसटी कैटेगरी, देखो यहाँ पर ये बात कही गई है उन्होंने एक बात सीधी की है। कुछ बच्चों के मन में ये होता है कि सर मैं राजस्थान में क्या हूँ ओबीसी, अपने राजस्थान की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में मैं ओबीसी हूँ तो मैं क्या सेंटर में जाऊँगा तो क्या मैं जनरल में यानी यूआर में काउंट होऊंगा। सर मैं राजस्थान का क्या हूँ, मैं राजस्थान का एससी कैटेगरी का हूँ तो क्या मैं सेंटर में जाते ही यूआर में जाऊँगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि आपके पास में जो जाति प्रमाण पत्र होता है उस जाति प्रमाण पत्र आपका सेंटर का होना चाहिए। जैसे ओबीसी के बनते हैं ना सेंटर के, और ऐसे ही आपके एससी कैटेगरी के जो है वो सेंटर के बनेंगे तो आप सेंटर में भी एससी में ही काउंट होंगे, ओबीसी में काउंट होंगे। जनरल वालों को आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो पहले से ही जनरल है, चाहे वो राजस्थान है चाहे वो आपका कहाँ पे है, ऐसा यहाँ पर सीधा सीधा ठीक है लिखा गया है। उसके बाद में अपने बात करते हैं पूरा का पूरा, देखो ये देखो एनसीटी दिल्ली वगैरह ये चेंज रूल रेगुलेशन आपके यहाँ पर लिखे गए हैं। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं 30 नो क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट, ये क्लोजिंग डेट वगैरह जो वो लिखी गई है। देखो 10+2 सीनियर पास फ्रॉम द आपका जो भी आपका अच्छा जो बोर्ड है जो अधिकृत बोर्ड है उसी बोर्ड से आपकी प्लस टू की होनी चाहिए, ठीक है। या फिर 11वीं पास आउट बच्चा है वो फॉर्म भरते लेकिन भैया उसका ये कहा गया 30/9/2023 तक उसका रिजल्ट वगैरह आ जाना चाहिए, तो इसका मतलब 11वीं भरने से फायदा ही क्या है क्योंकि रिजल्ट अपना राजस्थान में आएगा नहीं, बाकी जिलों में भी इस टाइम रिजल्ट नहीं आते हैं तो कोई मतलब वाली बात है नहीं। उसके बाद में अपने यहाँ पर बात करते हैं, देखो ये जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत जो है उनके बच्चों के लिए स्पेशल चीजें हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में नहीं रखनी है। हाँ ये आ गया 7.2 में जो आपका स्पेशल चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी है लाइसेंस वाली चीज है। सबसे जरूरी यह था कि क्या लाइसेंस के सर हमारा नहीं बना है, क्या हम फॉर्म भरे या नहीं भरे, उसके बारे में बात करते हैं। तो मेल कैंडिडेट मस्ट
प्रोसेस है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड है LMB। अब LMB की लर्निंग जो लाइसेंस है उसके बारे में बताया गया, लर्निंग लाइसेंस है मोटरसाइकिल फॉर कार एंड ऑन द डेट ऑफ PENMT लर्निंग लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेबल। देखो यहाँ पर यह कहा गया है कि मेल कैंडिडेट जो है उनके लिए मस्ट एक वैलिड लाइसेंस फॉर LMB होना चाहिए, जिसमें आपका अपने लर्निंग लाइसेंस बोलते हैं ना, वो उस टाइम उससे पहले आपका क्या होना चाहिए, जैसे हम फिजिकल करने जाएंगे या फिर मेडिकल टेस्ट होगा उससे पहले पहले आपका क्या है कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी आपको चीज यहाँ पर बताएंगे, तो इसका मतलब आप आज ही क्या कर दो, अप्लाई कर दो और उसके बाद में फॉर्म लगा दो, बाद में धीरे धीरे वो जो है वो आपका आता रहेगा, जो फिजिकल आपका जो एग्जाम होगा उस टाइम आपको वो फॉर्म उससे पहले पहले क्या हो जाना चाहिए, उस डेट से पहले पहले क्लियर है आपका हो जाना चाहिए। सबसे जरूरी चीज आपकी यही थी जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज यहाँ पर कर रही थी। उसके बाद में जो NCC वाले बच्चे जो फॉर्म भरेंगे उनको कैटेगरी वाइज छूट मिलती है, ठीक है। इनको जो सी ग्रुप वाले उनको 5% है, बी ग्रुप वालों को 3% है और इनको 2% है ए ग्रुप वालों को। ये जो NCC करते हैं उनके जो ग्रुप बने होते हैं उन ग्रुप के अनुसार उनको क्या मिलती है, छूट यहाँ पर दी जाती है। उसके साथ साथ में यहाँ पर अपने बात करते हैं, इसको छोड़ो और इसको भी छोड़ दीजिएगा, ये अपने ज़्यादा काम के नहीं है, जो बच्चे हैं उनके लिए एलिजिबल उनको पहले से ही क्या होता है इस बारे में पता होता है, तो यहाँ पर छूट दीजिए। देखो यहाँ पर अगला आता है सर पेमेंट के बारे में, नौवां जो कॉलम है वो आपका किसका है, पेमेंट का कॉलम है। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, देखो फीस आपकी पेएबल होगी 100 रुपीज ओनली, बहुत कम पैसे लग रहे हैं सेंटर के अंदर, 100 रुपये लगेगी। लेकिन ये हो रहा है कि इसमें जो वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट व्यूइंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट ट्राइब ST एंड एक्स सर्विसमैन सबके लिए क्या है, फीस क्या भैया माफ है। महिलाओं के लिए तो सारी माफ है, लेकिन उसके साथ साथ में ST कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है और ESM है, इन सबके लिए भी क्या है ये फ्री है। तो फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू UPI से आप कर सकते हो, भीम से, बैंकिंग से, किसी भी मोड से कर सकते हो। ये जो आपका ज़्यादा समझाने की आपको आवश्यकता है नहीं, पेमेंट जिसे लिया जाता है बाकी फॉर्म में वैसा ही आपका यहाँ पर दिया जाने वाला है, ठीक है। देखो ये करेक्शन फॉर्म के बारे में हमने बात कर लिया है कि 3 तारीख और 4 तारीख को आपके अक्टूबर मंथ में विंडो है ओपन होगी, वहाँ पर आप अपना जो करेक्शन है वो अपने आप के हिसाब से क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। उसके साथ साथ में यहाँ पर अपने बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के, आपको अलग अलग मिल जाएंगे उसके ऊपर अपने बाद में बात करेंगे, ये पूरा सेंटर का प्रोसेस रहता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बात अगर करी जाए तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये CBE होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ऑनलाइन होगा, सीधी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि ये आपका जो नंबरिंग जो है कौन सा पार्ट ए कितने का होगा, 50 का होगा, रीजनिंग 25, एबिलिटी जो मानसिक योग्यता है वो 15 नंबर की होगी और कंप्यूटर में जो 6 टॉपिक दिए गए हैं ये 10 नंबर के होंगे और मिनिमम जो टाइम्स आपका वो 90 मिनट का यहाँ पर मिलने वाला है। अपने इसका जो सिलेबस है उसके ऊपर अपने एक अलग सी वीडियो बना लेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी आपके लिए एक छोटी सी वीडियो थी। दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म है वो आपके लिए निकल चुका है। इसके साथ साथ में एक बार पुनः मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आपके लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस वाले विद्यार्थी जो क्रेश कोर्स करना चाहते हैं अलायंस केयर इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन बैच जो है वो आपके लिए प्रारंभ बहुत ही जल्दी होने जा रहे हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं आपके 9587499995 पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। इस सोच और उम्मीद के साथ में फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नंबर आपको नोट करवा देता हूं, बताइएगा है 7 8 9 10 7 9 5 4 9, इन नंबरों के ऊपर आप और संपर्क कर सकते हो। अगर आपको कोई मैक्सिमम जानकारी चाहिए तो आपको 7 8 9 10 7 9 5 4 9 इन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है साथियों। फिर से मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।